अब एक एक करके मुझे बताएंगे आपके केमिस्ट को विजिट करने के क्या फायदे हैं। एक दफा बता दे उसको कोई रिपीट ना करना, ठीक है। तो आइए देखें कि इसकी क्या फायदे हैं। जी सर, वैसे तो बहुत सारी चीजें वो बताते हैं, लेकिन प्रॉपर फीडबैक जो होता है ना, प्रोडक्ट्स का एनालिसिस हो सकता है उसमें, कौन कौन सी विजिट करने का फायदा बता दिया। ज्यादा लंबी थोड़ी करनी सर, रिलेशन बिल्ड होता है हमारी प्रोडक्ट, रिलेशन रिलेशन डेवलप होते हैं केमिस्ट से। ऑब्जेक्ट जो है हमें डॉक्टर्स के कॉल वाले बनने से पहले हमें ऑब्जेक्ट जो है बनाना, ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, ठीक है जी। क्या फायदा पता चल जाता है कि डॉक्टर कौन सा प्रोडक्ट यूज कर, ये पता चल जाता है कि डॉक्टर क्या ले, टाइमिंग पता चल जाता है जी। और क्या फायदा स्टॉक का पता चल जाता है, डॉक्टर कितना प्रिस्क्राइब कर रहा है, डॉक्टर कितना प्रिस्क्राइब कर रहा है जी। तो ये पता चल जाता है कि आपके प्रोडक्ट यहां पे कितनी चल सकती है और कितनी अदर कॉम्पिटिटर चलता है, और कौन डॉक्टर है, और क्या पता है और सही में कितना डॉक्टर जी पता चल सकता है कि हमारे प्रोडक्ट किस तरह प्रिस्क्राइब हो सकती है और डॉक्टर की, ये बता दिया उन्होंने, इसके आगे बता डॉक्टर की नीड भी आइडेंटिफाई हो सकती है। वेरी गुड वेरी गुड। डॉक्टर की नीड आइडेंटिफाई हो सकती है जी सर, जी सर। उसके बाद किस इंडिकेशन में पेशेंट ज्यादा आते हैं, वेरी गुड, किस इंडिकेशन में ज्यादा पेशेंट आते हैं जी सर। इलाज वाली प्रोडक्ट है तो किस नंबर का वाली प्रोडक्ट चल रही है, नंबर फंटास्टिक, किस नंबर पे की प्रोडक्ट चल रही है, वेरी गुड, पहले दूसरे तीसरे नंबर, वेरी गुड यार, तालियां बजानी चाहिए सर। तुम ये दो लाइन से आदमी के बीच में बैठे हो तो नजर नहीं आता, हमें किसको टारगेट करना है, वेरी गुड, कम जी। रिपेटेंट किसके खिलाफ बना रहा है जी सर, सर डॉक्टर को पता लग गया था कि वो उनकी क्या फीडबैक है, उनके बारे में क्या फीडबैक है, वो कैसे कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिकल रिस्पांस लेते हैं। नहीं तो ऐसी कौन सी बातें शर्मा लोग बताते हुए बोल तो बताओ, खुल के बताओ क्या बात नहीं, मतलब कि उनका फीडबैक पता लग गया था कि वो किस क्या क्या फीडबैक लेते हैं, और वो डॉक्टर की नेचर का बदल जाता है, डॉक्टर नेचर वाइज ये आसान लग रही है ना, कि नेचर वाइज नेचर। अच्छा आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो हम केमिस्ट को विजिट करते हैं, चलिए नो मोर डिस्कशन प्लीज, हमारे पास जो केमिस्ट को विजिट करते हैं सबसे पहले बताएंगे मुझे कोई कोई साहब जो लाउडर पढ़ सकते हैं, पहली चीज पढ़ेंगे क्या हो, है नहीं है गैप एनालिसिस से हमको ये पता चलता है कि ब्रेक का और डॉक्टर का टोटल पोटेंशियल कितना है। हम देखिए काम करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम टोटल पोटेंशियल जब ही हम मालूम कर सकते हैं, जिस वक्त हमें टोटल जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन है तो सिप्रोफ्लॉक्सिन टोटल कितना लिखता है, टोटलिटी में कितना लिखता है, चाहे वो कोई भी ब्रांड है, तो पता चलता है कि आपको 100 पैक लिखता है हफ्ते में। तो आपने पूछा आपके कितना लिखता है, कहते हैं 2 या 4, तो आपको ये तो पता चल सकता है कि इसमें कितनी मेहनत की जरूरत है, कहां तक मैं जा सकता हूं। आप 98 तो नहीं ले सकते, लेकिन आप 2, 4 से 5 तो कर सकते हैं, और 5 से 10 तो कर सकते हैं, और 10 से 12 तो कर सकते हैं, आप वहां पर इंक्रीज कर सकते हैं, आपको यह पता है कि कहां तक हद है, और फिर ब्रिक का पोटेंशियल पता चल सकता है टोटल, कि आपका पता चला कि आपकी तो ब्रिक के अंदर 100 पैक निकल रहे हैं, उस ब्रिक के अंदर 5000 पैक निकल रहे हैं, तो आप कितना पीछे हैं, आप 4900, तो आप 1000 से 1200 पे जा सकते हैं, 1100 पे जा सकते हैं, आपने टारगेट्स को सेट कर सकते हैं, तो आपको 4900 का गैप भी तो पता चलेगा ना केमिस्ट्स के पास है। दूसरी चीज आपके पास क्या है, गैप एनालिसिस जो है एफर्ट्स को बताता है, आपको कितनी मेहनत की जरूरत है। हम जाकर के हर जगह पे 3-3 विजिट कर रहे होते हैं, क्या ये इसकी काबिलियत है, इस काबिल है, इसका पोटेंशियल है, क्या हम उसको 3 विजिट करें। बाद दफा आप कभी किसी डॉक्टर को जिसको आप 3 विजिट कर रहे हैं उसको आप 4 विजिट करके देखिए तो क्या होगा, और उसको कभी 2 विजिट करके देखिए तो क्या होगा, कोई फर्क होता है इसके अंदर, कोई फर्क पड़ता है, ऐसा तो नहीं है हम बिलाव गलत जगह पर एफर्ट्स लगा रहे हैं। देखिए ये दरवाजा है बाहर, इस दरवाजे को अगर मैं आपसे कहूं कि इसको खोलिए, और मैं आपसे कहूं चौकट के पास से खोलिए, आप सारी उम्र मेहनत करेंगे चौकट से नहीं खुलेगा, ऐसे ही है ना, कम से कम एफर्ट्स कहां से लगेंगे, हैंडल से पकड़े और इजीली खुल जाएगा। हम यही मैं कह रहा हूं कि हम ये देखें कि हम जिन डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, जिन ब्रेक्स के पास जा रहे हैं, क्या उस ब्रेक का इतना पोटेंशियल है, क्या उस डॉक्टर का इतना पोटेंशियल है कि हमें वहां पर इतनी दफा जाना चाहिए।
ये आप ही जज कर सकते हैं, ये आपको कोई नहीं बता सकता। और ये जब होगा जब आप केमिस्ट को विजिट करेंगे और उसके एनालिसिस आपके पास सही होगी। गैप एनालिसिस टीम को हेल्प करता है कि वो स्ट्रेटेजी बनाए काम की और विलिंगली काम करे, दिल से। एक होता है हाथ से काम, एक होता है दिल से काम, दोनों का जमीन आसमान का है नहीं सब। अगर घर वाली खाना दिल से बना लेना उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है, अलग होता है। तो हर चीज जो दिल से की जाती है ना उसका मजा ही दुबारा होता है। तो हम ये देखेंगे हम जो काम कर रहे हैं क्या हम हाथ से कर रहे हैं या हम दिल से कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि गैप एनालिसिस हेल्प टीम टू पॉलिश क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। जब आपको ये पता होता है कि आपका गैप क्या है तो आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। यार मेरी नॉलेज जो है ना नॉलेज से मार खा जाता हूँ, यार स्किल से मार खा जाता हूँ, यार मेरी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती डॉक्टर से, यार मैं डॉक्टर की नीड मालूम नहीं कर पाता, यार मैं ये नहीं मालूम कर पाता कि ये कंपटीटर की क्यों लिखते हैं यार, मेरी क्यों नहीं लिखते। तो आप अपनी क्वालिटी को बेहतर करें, अपनी चीजों को बेहतर। उसमें ऐसी क्या चीज है जो उसकी लिख रहे हैं मेरी नहीं, आपकी क्वालिटी को बेहतर। तो हमने देखा था छोटी छोटी चीजें आपको फील्ड में सिखाई जाती है। मैं जिस जमाने के अंदर एंटीबायोटिक बेचता था उस जमाने के अंदर सिंध कोऑपरेटिव हॉस्पिटल में विजिट करता था, तो वहां पर मैंने देखा कि इलाय लिल्ली की एक प्रोडक्ट चलने शुरू हो गई वहां पर ओटी के अंदर। ओटी में मेरी बड़ी अच्छी जान पहचान थी, मैं तो हर वक्त बैठता था ओटी के अंदर। तो मैंने वहां पर लोगों से मालूम किया, मैंने कहा साहब ऐसी क्या बात है, मैं तो रोज आता हूँ यहाँ पर, मेरी प्रोडक्ट दो नंबर पर चली गई और ये कौन आ गया जो पहले नंबर पर। तो उसके ऊपर वो कह लगे साहब आप ऐसा कीजिएगा कभी 3 बजे आइएगा, चक्कर लगाइएगा, फिर आपको पता चलेगा ओटी के दिन क्या होता है। हम ओटी के दिन 3 बजे पहुंच गए। इलाय लिल्ली के अंदर वो कोई मेडिकल रैप थी, खातून थी, वो काम करती थी, और वो उनको पता चला कि वो 3 बजे के बस आकर के वो ओटी शुरू होती थी, 2:30 बजे करीब वो आके वहाँ खड़ी हुई, हम 2:30 बजे काम कर रहे थे, घर चले जाते थे, वो 2:30 बजे आके वहाँ खड़ी हो जाती थी, और जो ओटी के अंदर डॉक्टर जा रहे होते थे, सब जा रहे होते, उनको स्टार्टिंग डोज दे रही होती थी डॉक्टर साहब। अब वो बूस्टिंग डोज लगाता था डॉक्टर, उसी को वो फॉलो अप में लिख देता था। तो हम ये कब पता चलेगा, इस्तेमाल हो रहा था जहां हम फोकस ही नहीं कर रहे होते, तो कहते हैं हमारे तो प्रोडक्ट मैनेजर ने नहीं बताया कि इसको क्या करेंगे काम। यार आप प्रोडक्ट मैनेजर को बताएं, प्रोडक्ट मैनेजर आपको बताएं, आप बताएं उसको प्रोडक्ट मैनेजर को कि यार ये सेगमेंट है, सेगमेंट पे काम करो। मैंने कंपटीटर को इस सेगमेंट पे चलते हुए देखा, आप उसकी आंख और कान बने। आप वो फील्ड, आप फील्ड के अंदर बैठे, वो ठंडी मशीन में बैठा है, आप उसको गाइड करें। आप इतनी करेज होनी चाहिए कि आप उसको गाइड करें। आप देखिए बात, आप देखते हैं फील्ड में कहां क्या चीज चल रही है, तो हम ये देखना होगा, हम ये गैप को एनालाइज करेंगे। गैप एनालिसिस हेल्प एएसएम टू इंक्रीज टीम्स प्रोडक्टिविटी। ये खाली टीएम को मदद नहीं करता बल्कि गैप एनालिसिस अगर हो तो एक एएसएम एक टीएम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में आगे बढ़ सकता है और उसकी उसकी कारकर्दगी को बेहतर कर सकता है। एक गैप एनालिसिस बेसिकली जो है वो हेल्प कर सकता है कि अपने गोल्स को मेजर करने में आपको कितने एफर्ट चाहिए उस गोल तक पहुंचने में, आप अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, कितने एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, ये गैप एनालिसिस से पता चलेगा। गैप एनालिसिस आपको हेल्प करेगा कि आप अपने एफर्ट्स को कितना आपने अपलिफ्ट करना है, और गैप एनालिसिस आपको हेल्प करेगा कि आपने अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेंटेन करना है। गैप एनालिसिस आपको इस बात पर भी हेल्प करेगा कि आप अपनी प्रोडक्ट और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट को सामने रखते हुए अपने एफर्ट्स पर तवज्जो दीजिए कि आपको कितने एफर्ट्स की जरूरत है। तो ये कब होगा जब आपके सामने गैप एनालिसिस। मैं हम आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब आप कल आप फील्ड में जाएं, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हर केमिस्ट का ना अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से गैप एनालिसिस करके अपने पास डायरी में लिखे कि यार टोटल इस वो डॉक्टर के पास ये प्रोडक्ट चलती है, मेरी इतनी चलती है, इसकी इतनी चलती है। आपको एक हफ्ता लगेगा, एक हफ्ते में आपकी पूरी ब्रेक हो जाएगी। एक हफ्ते बाद बैठिए संडे के दिन और जरा कैलकुलेट करके तो देखिए कि कितना बड़ा पूरी ब्रेक्स के अंदर गैप पहुंच हो गया है। फिर आपकी दिलचस्पी होगी, फिर आपको पता चलेगा मैं सुबह उठूं क्यों, मैं सुबह जाऊं क्यों, मैं सुबह जाऊं कहां और मैं कितना काम करूं, मैं कब आऊं, मैं क्या करूं। जब सेल जब तक नहीं होती जब तक यहां चोट ना लगे, जब तक ये दुखे ना, जब तक ये अना का मसला ना बने, जब तक आपकी तबीयत में ही ना आए कि मेरे से आगे कैसे बढ़ गया। मैं आपसे कहूंगा जब तक आप टीएम हो आप जैसा टीएम कोई ना हो, जब तक आप जब आप एसएम हो तो आप जैसा एसएम कोई ना हो, और जब आप एनएसएम हो तो आप जैसा एनएसएम कोई ना हो, और जब आप मार्केटिंग मैनेजर हो तो आप जैसा मार्केटिंग मैनेजर कोई ना हो।
तो ये कहां से आदत पड़ेगी आपको, यहीं से आदत पड़ेगी। ये जलन, इस चीज की जलन होनी चाहिए कि मुझसे आगे कोई, वो उसमें क्या कौन से सींग लगे हुए जो मुझसे आगे, ये तड़प होनी चाहिए आपके अंदर। तो ये जो केमिस्ट के गैप एनालिसिस है, गैप एनालिसिस के बेनिफिट क्या है, आइए बेनिफिट सही करते हैं। पहला बेनिफिट क्या है इसका जरा बताइएगा। ऑर्गेनाइजेशन को मेजर करने का ये हम कहा है, गैप एनालिसिस हम करते हैं ना, हम ऑर्गेनाइजेशन भी तो अपने आपको देखती है ना, हम छठे नंबर पे, पांचवे नंबर पे, दसवें नंबर पे, ग्यारहवें नंबर पे गैप आ रहा है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, हमारे पास जब गैप एनालिसिस होता है तो हम ये देखते हैं कि दूसरी कंपनियां क्या ऑफर कर रही हैं हम, और हम अपने हमारी कंपनी क्या ऑफर कर रही है। तो हमारी कंपनी जो अपनी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बेहतर करती है, या दूसरी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ये दे रही है, तो हम भी अपने एम्प्लॉइज को, ये खाली आप पे नहीं है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप को इम्प्रूव कर रही है गैप एनालिसिस के जरिए। सबसे अच्छा जुमला है कि वीकनेस आर करेक्टेड बिफोर प्रॉब्लम, आपकी कमजोरियां इससे पहले कि वो पहाड़ बन के आपके सामने आए, अगर गैप एनालिसिस है आपके सामने, गैप एनालिसिस है तो आपका एनवायरमेंट क्या होगा, रिलैक्स कैसे होगा एनवायरमेंट, रिलैक्स इसलिए होगा एनवायरमेंट क्योंकि आपको ये पता है कि आपका बॉस हर साल आपका टारगेट बढ़ा के दे रहा है, आपको ये नहीं पता मुश्किल क्या होती है, मुश्किल होती है आपको नहीं पता करूंगा क्या। जब गैप एनालिसिस होगा आप कहेंगे अच्छा यार मुझे 10 ही पैक बढ़ाए, मेरा तो 1000 पैक का गैप, फिर 10 पैक करना क्या मुश्किल होगा आपके, आपके पास गैप एनालिसिस तो कौन सा कस्टमर पर कितना मुझे इन्फ्लुएंस करना है, तो ये 10% 20% 50% जो मेरा टारगेट बढ़ाए मैं इसको कैसे पूरा करूँ। जब गैप नहीं होता ना तो फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर लोग कहते हैं नहीं आपकी तो बोलता पता ही नहीं आपको कहाँ से करना है। मैनेजर और पीएम दोनों मिलकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अगर गैप एनालिसिस, चाहे क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव गैप एनालिसिस। हमारा टाइम जो है वो एक दूसरे पे इल्जाम लगाने में नहीं गुजरता, हम ये नहीं कहते कि बॉस ने मरवा दिया, बॉस कहे लड़के ने मरवा दिया। जब गैप एनालिसिस होता है तो बॉस को भी पता होता है कि कितना गैप है, लड़के को भी पता होता है कितना गैप है। जब मैं बॉस हूँ आपका, मुझे अगर ये पता है कि आपका क्वालिटेटिव गैप है तो मैं आपके स्किल्स के ऊपर काम करूंगा, आपकी नॉलेज पर काम करूंगा, नहीं करूंगा। और आपको अगर अपने ब्रेक का गैप पता है तो आपको अपनी मेहनत पर काम करना पड़ेगा कि मुझे अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है कि अपने गैप को कम करूं, मैं ऊपर जा सकता हूं, मेरा टारगेट डेफिसिट पे जा रहा है, मैं यहां यहां से ले सकता हूं। लेकिन ये कब होगा, जब आपको गैप्स का पता होगा, जब काम कर सकते ही कर सकते। एक कल्चर बन जाएगा आपके पास जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का होगा, अगर गैप एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप इंप्रूव करते जाएंगे क्योंकि गैप आपके सामने। अभी तो हर आदमी अपने आपको अल्लामा समझ रहा है, हर आदमी को पता है, वो जिससे पूछो मुझे पता है, जिससे पूछो मुझे मालूम है, मैं जानता हूं। तो गैप एनालिसिस जो है बेसिकली कल्चर को लेकर आता है। और यहां पर हम ये देखते हैं कि हम गैप एनालिसिस से हमने क्या क्या चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या सीखी गैप एनालिसिस से,